सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों एक फैसला सुनाया जिसे सुनकर हर कोई चौंक गया। दरअसल शराब कारोबारी भागोड़ा विजय माल्या के ऊपर कोर्ट ने अवमानना का मामला चल रहा है। इसी मामले में कोर्ट ने भागोड़ा माल्या के खिलाफ लाखों करोड़ नहीं बल्कि 2000 रुपये की सजा सुनाई। फिर क्या था, लोगों ने कहना शुरू कर दिया करोड़ों की चोरी और सजा मात्र इतनी। आगे हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर माल्या के ऊपर कोर्ट ने मात्र 4 महीने और 2000 रुपये की ही सजा क्यों सुनाई। माल्या के पास इतनी संपत्ति है कि वह कितने शहरों को बसा सकता है। उसके घर कई शहरों में हैं, ऊंची ऊंची इमारतें हैं। इतना ही नहीं, उसका तो समुद्र में भी घर है। इतनी संपत्ति का बेशुमार मालिक होने के बाद भी क्यों भारत की नजरों से वह भागा भागा फिर रहा है। इतनी संपत्ति का मालिक होने के बाद भी वह कोर्ट में क्यों नहीं आ रहा है। कई सवाल हैं, लेकिन इसका जवाब सिर्फ माल्या ही बता सकता है। आखिर कोर्ट ने इतनी संपत्ति के मालिक को मात्र इतनी ही सजा क्यों? ऐसे में सवाल उठने लगे कि क्या पैसा वालों के लिए कम सजा होती है और गरीबों के लिए कड़े सजा का प्रावधान है। हम इन सभी बातों को समझेंगे कि आखिर माल्या की इतनी कम सजा क्यों मिली। लेकिन उससे पहले समझते हैं इस पूरे मामले को। बता दें कि शराब कारोबारी विजय माल्या के ऊपर 9000 करोड़ रुपए लेकर भारत से फरार हो गया, जिसके बाद SBI ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि हुजूर वो तो पैसा लेकर फरार हो गया है। उसके बाद माल्या के ऊपर कार्रवाई शुरू हुई जिसमें यह कहा गया कि वह अपना पैसा किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। लेकिन माल्या ने कोर्ट की एक न सुनी और साल 2016 में 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी खातों में ट्रांसफर कर दिया, यानी कि अपने बच्चों के खाते में पैसे जमा कर दिया। इतना ही नहीं, उसने कोर्ट की कई गलत जानकारियां भी साझा की। कोर्ट के बार बार बुलाने के बाद भी वह कोर्ट के सामने पेश नहीं हो सका। माल्या का यह रवैया देखकर मई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दी। उसके बाद माल्या की तरफ से साल 2020 में इसी फैसले पर समीक्षा की बात कही गई, लेकिन कोर्ट ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। उसके बाद सजा को अपने पास कोर्ट ने सुरक्षित रख दिया। अब जब सजा का ऐलान हुआ तो कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि कारावास की सजा काटने के लिए भगोड़े कारोबारी को उपस्थित करे, भगोड़े कारोबारी की उपस्थिति को सुनिश्चित करे और उस पर 2000 रुपए का जुर्माना और 4 माह की सजा होनी चाहिए। कोर्ट के इस फैसले के बाद से आम लोगों पर इसका क्या असर होगा यह तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन इससे पहले आम लोगों के बीच में एक धारणा थी कि गलती होने पर पता नहीं जज साहब क्या सजा सुना देंगे। लेकिन प्रशांत भूषण के मामले में कोर्ट ने 1 रुपये की सजा सुनाई और कहा कि इसे संकेतिक समझे, मतलब कि हम और भी सजा सुना सकते थे। लेकिन माल्या के मामले में कोर्ट ने मात्र 2000 की सजा सुनाई। आइए ऐसे में अब हम जान लेते हैं कि किन किन परिस्थितियों में कोर्ट में जो है अवमानना की स्थिति बन सकती है। न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 के अनुसार न्यायालय की गरिमा और उसके अधिकारों के प्रति अनादर प्रदर्शित करना न्यायालय की अवमानना है। कोई भी व्यक्ति जानबूझकर अदालत की किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रीट को ना माने या फिर उल्लंघन करे तो उसे दीवानी अवमानना कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति लिखे हुए शब्दों, चित्रों को प्रकाशन के दौरान अदालत के आदेश को नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उसे आपराधिक अवमानना कहा जाता है। अदालत में ही खड़े होकर कोई अगर कोर्ट के आदेश को नहीं माने तो यह प्रत्यक्ष अवमानना होती है। तो इस तरह से कई ऐसे मामले हैं।